नमस्कार, केवल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चावल के और आटे रागी के आटे की पूड़ी बना रहे हैं मीठी। इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है चावल का। 1/2 कप में रागी का आटा डाल रही हूँ। दोनों को हमें छान लेना है। इसके लिए मैंने 1/2 कप गुड़ वाली शक्कर ली है, उसको छान लेती हूँ। आप मीठा अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी और लेंगे क्योंकि इसमें रह गई है। ये हम निकाल देते हैं। 2 टेबल स्पून में दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ। ये ताजे दूध की मलाई है और हम इस आटे को दूध से ही गूंदेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं सबको। 1 टेबल स्पून में तेल ऐड कर रही हूँ, 1 बड़ी स्पून से। ये खस्ता बहुत अच्छी लगती है खाने में। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। आप लोगों का सहयोग चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। आपने ही हमें आगे बढ़ाया है। थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको हमने आटा गूंथ लेना है। ज़्यादा मीठा या दूध भी हो जाता है या मलाई हो जाती, घी हो जाता है, तब भी पूड़ी अच्छी नहीं बनती। बस हमें इतना ही और दूध नहीं ऐड करना है, इतना ही दूध चाहिए। ऐसे ही आटा चाहिए। आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं शक्कर की जगह, लेकिन शक्कर फ़ायदा करती है इसलिए मैंने डाली है। आप बिना रागी के आटे के भी बना सकते हैं। हमारा आटा गूंद के तैयार है। चावल और रागी के आटे की पूड़ी, आटा सेट हो गया है। अब हम इसकी पूड़ी बनाते हैं। अब इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। ये पूड़ी थोड़ी मोटी अच्छी लगती है। इस तरह से मैं थोड़ी सी चिकनाई लगाऊंगी क्योंकि आटा चिपकता है। आप चाहे तो हाथ की सहायता से ही बना सकते हैं, बेल के भी बना सकते हैं।
इसी तरह से हमें सारी पूड़ी बेल लेनी है। हम इसी तरह से सारी पूड़ियों को बेल लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें पूड़ी डालते हैं। रागी और चावल का आटा दोनों ही फायदेमंद है। रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तिल में भी कैल्शियम होता है। इसका सही मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है, अगर कम ज़्यादा हो जाएगी तो अभी पूरी नहीं बन पाती हैं। इसीलिए वीडियो को पूरी शुरू से एंड तक देखना है। गैस ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, मीडियम गैस रहनी चाहिए। ये मीठी पूड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, आप बना के रख लो, 4-5 दिन तक आराम से खाते रहो, ख़राब नहीं होती। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सहयोग हमें दीजिए। हम ऐसे आगे और वीडियो बनाते रहें, अच्छी अच्छी रेसिपी से आपको बना बना के सिखाते रहें। आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके बताइए। इसी तरह से हमें सारी पूड़ी सेक लेनी है। हमारी पूड़ी सिक्के तैयार हैं, चावल और रागी के आटे की। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।